अभी देखते हैं क्या एक प्रोसेस हो। तू चलेगा मेरे साथ? नहीं। हाँ, अरे दोनों चल रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसी छूट जाएगी यार वहाँ पे ना। अच्छा, तुझे ऐसी छूट जाए, चल ठीक है फिर। जी भाई जान, कैसे हो? क्या लेना पसंद करोगे आप दोनों में से बताओ? हाँ, हम वीडियो बना रहे हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट। 200 रुपये इसके सामने कोई कीमत नहीं है ना, हम थोड़ा सा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों को लेके। भैया मैं हिंदू हूँ। अच्छा, मैं हिंदू हूँ, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? मैं हिंदू हूँ, बैठ जाऊँ यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने कहा भैया से पूछो, आप लोग आई से हैं? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो आप क्या लोगे? ये लोगे, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो आप, ऐसे ही तो कहते हैं ना आप किस में? मैंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं ना आप किस में? नहीं, फर्स्ट आपसे स्टार्ट किया है। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी सब मंदिर मस्जिद सब जगह जाऊँगा मैं, सब जगह देखना है लोग कैसे बिहेव करते हैं, थोड़ा गुरुद्वारा भी जाना है मुझे, तो मैंने सोचा। तो भैया जैसे आजकल माहौल चल रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे पब्लिक को? जैसे लोग हिंदू मुस्लिम वगैरह ये चीज़ें हो रही है मतलब हमारे देश में, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे काम के अंदर कोई दखल ना दे, अगर कोई दूसरे किसी को मान रहे वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप हमारे लिए क्या रखते हो कि जैसे देखो मैं तो इस चीज़ों को मानता नहीं हूँ, मैं तो एक मानता हूँ सबको, हमारे लिए क्या मैसेज है? मेरे लिए कि हिंदू मुस्लिम को आपस में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? भाईचारा तो रहना चाहिए। भाईचारा रहना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ओके भाई, तो काफ़ी अच्छा भाई मैसेज दिया भाई इन्होंने। बाकी मैंने उनको बोला नहीं कि आई एम अ मुस्लिम, मैंने बोला भाई मैं हिंदू हूँ, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? उन्होंने बोला कोई नहीं, बैठ जाओ। दो चार बातें और हुई तो अच्छा मैसेज दिया भाई इन्होंने, बहुत अच्छा लगा सुन के। ओहो हैन भाई, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत मेरा दिल बड़ा यार दुखता है यार जब कहीं मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ ना कि आज ये हो गया, वहाँ पर लड़ाई हो गई, वो चीज़ें क्यों होती है यार, समझ ही नहीं आता यार क्यों होती है। तो भाई अभी अमन अपने साथ आ गया, और अभी हम आ गए हैं कहाँ अमन? अभी हम आ गए एक मंदिर में, और मैं फ़र्स्ट टाइम मंदिर में विज़िट करने वाला हूँ, सो थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है और पता नहीं कैसा फील होगा, बस फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो आई डोंट नो क्या होगा। भैया से बात करेंगे थोड़ा अंदर जो है। अभी हम शूज़ यहाँ पे निकाल लेते हैं जैसे कि भाई सब लोग निकाल रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज देना है और एक अच्छा ही मैसेज जाना चाहिए। भैया क्या नाम है भैया का? आदित्य शर्मा। क्या लेना पसंद करोगे? झंडा। प्यार है देश से? एक्चुअली मैं मुस्लिम हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मंदिर में खड़ा हूँ? नहीं, मैं एक्चुअली 15 अगस्त आ रहा है 2 दिन बाद, तो हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, छोटा सा मस्जिद में भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, तो थोड़ा माहौल जैसे आप चल रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे सब लोगों के लिए? देश हाँ जी, सब इसमें सबकी इसमें योगदान है, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, तो जी जी सब भाई हैं, सब भाई रहने चाहिए। देखो मैं भी फर्स्ट टाइम मंदिर में आया, बहुत अच्छा फील हुआ, एंड अभी मस्जिद में भी गया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक बहुत अच्छे मैसेज दिया, तो आप सबको यही मैसेज दोगे भाई सबको एक साथ रहना चाहिए? अच्छा, 76 वर्ष हो गए। हाँ 76 वर्ष हो गए। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। ओके आदित्य शर्मा आपका नाम? ओके भैया, थैंक यू। वो लगाओ यार इसको। सो यार अभी हम मंदिर में भी चले गए, मस्जिद में भी चले गए, बहुत अच्छा लगा। एंड भाई दो वहाँ पे दो भाई बैठे हुए थे, वो स्टूडेंट थे एक्चुअली, इमाम साहब नहीं थे, बट वो अच्छे लग रहे थे, उन्होंने अच्छी एक मैसेज दिया सब लोगों के लिए भाई, जो जिसको मतलब उनका कहना ये था कि भाई जो जिसको फॉलो कर रहा है उसको फॉलो करने का अधिकार है, मतलब जैसे हमारे मतलब देश में बहुत सारे रिलीजन है, तो हम अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हिंदूज़ और सिख गुरु होते हैं जो, एंड भाई जो क्रिश्चन है वो नाम मेरे को नहीं पता शायद, तो क्रिश्चन जो है वो अलग अपना उनका है। सो एक्चुअली हम वहाँ हम चर्च वगैरह पे गए थे, बट चर्च वगैरह बंद है,
और कोई हमें मिला नहीं, सोचते हमने सोचा, मैंने कहा चलो यार लास्ट अपना गुरुद्वारा रह गया है, गुरुद्वारा एक यहाँ पे है, हम दो गुरुद्वारा विजिट कर चुके हैं बट वहाँ पे कोई नहीं था, हंसते हमने शूट नहीं किया एंड ये लास्ट गुरुद्वारा है। अब यहाँ पे देखते हैं कोई होप करता हूँ कोई मिल जाए, वरना कहीं सिख कम्युनिटी जहाँ भी होगी वहाँ पर हम अपना एक अच्छा सा बना लेंगे, एक अच्छा सी राय ले लेंगे लोगों से। सो भाई अभी एक पाजी बैठे हुए हैं एक्चुअली गुरुद्वारे में, तो कहीं मिला नहीं बट पाजी के साथ थोड़ा एक अच्छी सी राय ले लेंगे पाजी से। पाजी परसों 15 अगस्त है, क्या लेना पसंद करोगे आप दोनों में से? फ्लैग ही ले सकते हैं। फ्लैग ले गए, अच्छा एक मिनट बंद करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्चुअली हम थोड़ा सा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम मंदिर भी गए मस्जिद भी गए, तो एक्चुअली आई एम अ मुस्लिम, सो जैसा माहौल चल रहा है मैंने सोचा एक हमारा 15 अगस्त आ रहा है, इसमें सभी का ही योगदान है, आपको पता ही है हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, एंड तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक मैसेज हो जाएगा लोगों को, एंड हम एक्चुअली गुरुद्वारा विजिट किया बट गुरुद्वारे में कोई था नहीं, सिविल लाइन बीटीगंज और इधर ये अमर तालाब है ना वहाँ पे भी कोई नहीं था, तो हमने सोचा आप बैठे थे भैया कि एक बार भैया से राय ले लें, तो भैया एक आप क्या मैसेज देना चाहोगे जैसे कि हमारा 15 अगस्त आ रहा है सब कम्युनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम सब के लिए, क्रिश्चियन एक साथ रहना चाहिए, सबको मिलके एक साथ रहना चाहिए, लाइफ का कुछ पता नहीं है, एक मिनट का नहीं पता है कि मैं आज यहाँ पे आपके पास खड़ा हूँ, मैं क्या पता घर पर भी पहुँचूँ, मिलते हैं नहीं मिलते, घर पर मुलाकात है कि नहीं। जी जी ये तो है, तो अपना सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए जी, हम भी बस यही अपना सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि सब अपना भाईचारे के साथ रहो। चलो थैंक यू सो मच, बाकी आप फ्लैग लगाओ, आपकी शॉप पे फ्लैग नहीं था, मैंने कहा अच्छा उधर मैंने देखा नहीं, इधर मैं देख रहा था, नोटिस कर रहा था, ओके ओके। बाकी आपका नाम क्या है? इंद्रप्रीत सिंह। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। ओहो भाई बहुत बहुत अच्छे, सीरियसली बहुत अच्छे बंदे थे। सो अभी भाई एक्चुअली 5 मिनट्स रह गए नमाज़ में, तो नमाज का टाइम हो रहा है यार, अभी हम जा रहे हैं सीधा मस्जिद, पहले तो ओरिगैनो जाएंगे, वहाँ पे हमने हेलमेट वगैरह रखे हैं क्योंकि गोप्रो लगा हुआ है, और अपना गोप्रो वहाँ पे रखे हेलमेट वगैरह, फिर अपना नमाज़ पढ़ने चलेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद आपके लिए बहुत अच्छा एक और ब्लॉग आएगा, एंड एक लास्ट हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो रह गई है, मतलब देखो यार आई डोंट नो क्रिश्चियन का, मतलब मेरे को नहीं पता ज़्यादा, एक दो मेरे फ्रेंड है बट उनका मेरे पास नंबर सेव नहीं है, सो इसलिए यार ये गंदा सीन हो गया मेरे साथ, और दूसरा भी मेरे को थोड़ा चर्च वगैरह गए थे विजिट किया बट वहाँ पे कोई था नहीं, और एक जगह गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, शायद कोई मैरिज वैरिज जब मेरे को नहीं पता क्या सीन होगा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हमने लगा नहीं कि यार सही रहेगा। सो अभी मैं कर रहा हूँ व्लॉग का एंड, एंड भाई अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा सो दिल से भाई मैं कह रहा हूँ लव यू है सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मेरे भाई भाई, एंड भाई मैं सीरियसली सबको दिल से भाई मानता हूँ, और बस ऐसे ही आप लोगों का प्यार चाहिए, अगर आपको दिल से वीडियो मेरी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में अच्छे से पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।